रेलवे वाले आपका नाम भूल गया था। ये हमारे साथ रेल जंक्शन की प्लेटफॉर्म है इसका। आप उधर से दोनों आगे किलोमीटर के मार्ग में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, रेल फैनिंग का जो स्पॉट था वो हमने चूज़ किया था। वैसे मैंने पहले भी बताया आपको, काना काछा रेलवे स्टेशन। काना काछा पे आज बड़ी मज़ेदार करके रेल फैनिंग होने वाली है। एक्शंस हमें मिलेंगे 5 up, 34 down, 40 down and 16 down। और आज मालूमात ये मिली है कि 16 डाउन को लीड कर रहा है हमारा लेजेंडरी लोकोमोटिव HGMU 30। तो जो हमारे विंटेज रेल फैंस हैं उनको आज बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि उनका महबूब लोकोमोटिव जो है और वो आज 16 डाउन को लीड कर रहा है। कल भी कराची एक्सप्रेस को 15 अप को वही लीड करके कराची से लाया था। तो साथ बने रहिए फ्रॉम काना काछा रेलवे स्टेशन। नहीं तुसी मरना है तो दसो, बैठे रहो, कोई मसला नहीं। अल्लाह के बंदे हो, जो तो ट्रेन की बत्तियां नज़र आ जाए ना उठ जाइदा, बाद चो पिकनिक मना लेना मेरे पुत्रो। नजदीक आने लगे पता नहीं लगता, अपनी जान की हिफाजत करो। शाबाश। ये वीडियो यार हमने मीडिया चैनल को देनी है। बच्चे ना ट्रैक पे बैठे होते हैं, ट्रेन करीब आ जाती है फिर उठते हैं, ताकि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जबरदस्त कुत्ता स्पीड।
क्यों भाई, पता लगा इसके करीब आते हुए? आप कह रहे थे जी कि हम वो जब करीब आएगी फिर उठेंगे। नहीं पता लगा, बिल्कुल बेटा इसकी हवा ने आपको आपके घर पहुंचा देना था, अभी तक ट्रेन की मैं बात ही नहीं करता। सही बात है, ख्याल किया करो। ठीक है, आइंदा से करोगे? यस। वादा? वादा। पक्का? पक्का वादा। के पानी वाला वादा? पक्का वादा। पक्का? दूध वाला वादा। लें जी, ये थी जी फाइव अप ग्रीनलैंड एक्सप्रेस, स्पीड आपने वीडियो में देख ली, इसकी तारीफ में मैं क्या कहूँ। सर्विसेज वैसे ही मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा दिखा चुका हूँ। मेरा डेब्यू है काना कच्छा रेलवे स्टेशन पे, एटमॉस्फेयर बहुत ही खूबसूरत है और आज मौसम ने बेईमानी करके हमारा साथ दिया रेल फैनिंग करने को। ज़बरदस्त स्पीड में थ्रू पास हुआ, बहुत मज़ा आया। फैनिंग के साथ साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेन फन पीके हम अवैस भाई, मैं फिर आपका नाम भूल गया था, ये हमारे साथ रेल जंक्शन पीके वाले जहाँजेब खान जी। बहुत शुक्रिया सर भाई। खान एक दफ़ा मैंने नहीं कहा तो नाराज़ हो गए थे। उस दिन मैंने रेडी नहीं लगाई थी। इधर मौजूद भाईजान, आप अपना नाम खुद बताएं। आदिल भाई, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं आप? भावलपुर से। भावलपुर से, और कोई रेल चैनल या? जी पाक ट्रेन लवर है मेरा। पाक ट्रेन लवर्स, चले जी। और आप जानी मानी शख्सियत? जी आसिल भाई, बिल्कुल आप अभी तो जानते होंगे, बिल्कुल मिस्टर रेलवे। अखबार में तो तस्वीर आती है, मैं आपको जान दूं। मिस्टर रेलवे वाले भाई मुबीन सिद्दीकी जी। मुबीन सिद्दीकी, सिद्दीकी जी, बिल्कुल मजा आ रहा है जी रेल फैनिंग करके। तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। इधर स्टेज ड्रामा लगा हुआ, ये सुनते हैं थोड़ा सा। एक दो जरा सर मलफूजात से नवाजे वैस भाई को। अच्छा, यकदम बस रो कहंदा ओए ठीपे लेने नहीं। ऐसे ये पुरानी हो गई है। अच्छा, तो वैस भाई इग्नोर करवा रहे हैं, फील करवा रहे हैं कि मुझे झुकते नहीं पड़नी। आप भाइयों ने कुरबानी से बकरा लै लिया, सियानी उम्र का ओनू करन तो पहले तो प्यार लै रहे। बुजुर्ग सी? बुजुर्ग सी। फिर एक बकरा लै लिया, तो छोटी उम्र का लै लिया, उन खुले च पठे पे नाल ओ खेल में खिलौने रखे। यार क्या बात है। घर सीरी पकी थे ना, स्कूलों पढ़ के आए थे, आके पूछते ने वालदा नु की पकया, उन्होंने कहा सीरी पकी थे ढक्कन साइड ते करके पतीले ते कदम सारी। इन्हां घर चोर होंदे सन, इधर इन्ने चोर होंदे सन, इन्ने चोर होंदे सन। एक काम ते गया पिछले पुराने फोन कहता भाई चोर पै गए ने, कहिंदा रफीक आया होना। इन्हां घर चोर आए ਨੇਰੇ ਚ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਟੀਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਟੀਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਰਿਮੋਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭੌਂਕਦੇ ਚੱਲ ਹਾਊ।
काना काछा रेलवे स्टेशन जो है लाहौर जंक्शन से डाउन साइड पे बना हुआ है। अगर हम मुल्तान की तरफ जाएं और ये आती है इसकी डाउन साइड मुल्तान की तरफ, यार ये काना काछा जो मेरी नॉलेज है ना, ये दो भाई थे। अच्छा, कान सिंह और काछा सिंह मेरे ख्याल इस तरह का नाम है, मैं लेकिन मुझे इतना मुझे नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म
स्टेशन मैनेजर साहब जो अंदर वैक्सीन लगा रहे थे, मैं मिल के आया हूं, सलाम किया मैंने। सलाम बिल्कुल, वो वर्किंग चल रही है, वो स्टेशन के रखवाले हैं। वो आज मैंने देखा वो इंजेक्शन से वैक्सीन नहीं लगा रहे, वो सिगरेट में भर के ना और पूरी शॉट से एक ही दफा लेना चाह रहे हैं। पता है नए नए तजुर्बेकार आ गए बंदे, हर इंसान अपने हिसाब से लगा रहा है। पूरी वीडियो अपलोड करें, पूरी वीडियो जब अपलोड करेंगे ना असद भाई, तो सेंसर बोर्ड से आप जरा इसको चेक करवा लीजिएगा। हाँ जी, कि कहीं उसके मालिक ने, जो स्टेशन के मालिक, कोई ऐसी बात तो नहीं की। वो तो यही बेहतर जानते हैं, इनसे अच्छी मुलाकात होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक। मैंने सुना है बड़ी खूबसूरत किस्म के मलफूजात से उन्होंने नवाजा था एक दफा आपको। मैं आपको बाकी ऐसी ऐसी गालियां बता रहे थे, मैंने सुनी जो आपको पड़ी है। पास से बयान नहीं कर सकता कि जैसे जैसे उन्होंने मेरे साथ जो मुझे सलामियाँ दी थी ना, ठीक है, और वो जो सुन सकता है वही बता सकता, वही बता सकता, वो यहाँ पे हम लगा नहीं सकते, अगर क्योंकि मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ। मसला इन्हीं के साथ है, उनका इन्हीं के साथ हम भी करते हैं, वो हमें कुछ भी नहीं कहते। तो मुबीन भाई के साथ उनको मसला है। हाँ बिल्कुल, पता नहीं क्या मसला है। वो मसला ये है, मेरा ख्याल लगता है क्योंकि मैं यहाँ पे पहले काफी दफा आ चुका हूं, उनकी एक आधी वैक्सीन इस्तेमाल कर ली है या पता नहीं। हाँ, ये मेरे ख्याल बाल उसी वजह से उड़े। एक्शन है जी 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस का, जी 20 की लीड में आ रही है, उसको मैं स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर से कैप्चर करूंगा। ये थी जी 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस, निकल गई चपेड़े कराते हुए। 16 डाउन को एक्चुअली अमीर लेके आ रहा है। ओए होए होए, वो हमें मजा करवाएगा इंशाल्लाह, और उसी का हम वेट हो रहा है, सीनियर और लेजेंडरी एचयू एमयू का स्पेशली हमारा वेट हो रहा है। ओए होए होए, चस आने वाली है यार, आज एचयू एमयू 30 का दीदार होने वाला है। सही है, बिल्कुल, जिस दिन खराब होगा उस दिन इनको आगे लगा देंगे। आपको पता है इनको मार पड़ गई। अच्छी बात है, ट्रेन के आगे ना यूं खड़े हो गए, लाइट बंद कर लो, लाइट बंद कर लो। अच्छा, मैं अक्सर जो है ना ऐसे करता हूँ, जब भी वो लोकोमोटिव आ रहा हो ना, मैं विस्लिंग के लिए करता हूँ स्पेशली, उसको सारा करता हूँ इस तरह करके ऐसे ऐसे। और बाकी दो ही वजह ने भाई ने भी देखा है कि वो लास्ट भी रिस्पॉन्स देते हैं। नहीं, वो असल में जब ये कर रहे थे ना, वो गलत समझ गए, उन्होंने फेंटा फेर दिया। वैस भाई वर्गे ना, वैस अंग्रेजा तो जनाजे के तो जाते होंगे ने लंडन फट के। थैंक यू।
इस इन्फॉर्मेशन को मैं इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिस तरह बड़े रेल फैंस करते हैं। जब मेरी इन्फॉर्मेशन में आ जाएगी तो इंशाल्लाह बताऊंगा। काना काछा तो थी, जिया बग्गा भी आ गए यहाँ पे। नहीं जी, सलामी जो हमारी ट्रेन है आखिरी, उस पर जो लोकोमोटिव है वो लेजेंडरी है और ये सारे उसको सलामी देने के लिए मौजूद हैं हमारे रेल फैंस। 8204 HGMU 38A2 04 82 पावर के नाम से मशहूर एक लेजेंडरी लोकोमोटिव, 25 से 27 साल इसकी सर्विस को हो चुके। तो मेरा खुद बड़ा दिल कर रहा था इसको काफ़ी अर्से बाद देखने का और दौड़ते हुए देखने का। स्टेशन तो बहुत देखे, दौड़ते हुए आज देखेंगे। ये मोर्चा संभाल रहे हैं सारे, ये सारे बच्चे रेल फैनिंग करने आए हुए लगता है। HGMU के फैन है, HGMU 30 के। तो वो किधर है, जिया बग्गा किधर भेजा? जिया बग्गा उधर गया। अच्छा, नहीं जी, लाइट्स आर विजिबल। बस इसको करीब आने दें, इसका नज़ारा आपको कराते हैं। सबसे ज़्यादा वाइब HGMU 30 और AG 30 प्रोवाइड करता है, एटलीस्ट मुझे। हाय हाय हाय, ये था HGMU 30, सुकून कल्ब का बायस, राहत कल्ब का बायस, ना सिर्फ मेरे बल्कि दूसरे दीगर लेजेंडरी रेल फैंस के दिलों को सुकून बख्शने वाला HGMU 30। हाजी गुलाम मोहम्मद के नाम से भी मशहूर है ये वैसे HGMU 30। ये एक फन की बात होगी। ये है जी काना काछा रेलवे स्टेशन। तो काना काछा रेलवे स्टेशन से हमें दीजिए इजाज़त इन प्यारे प्यारे रेल फैंस के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।